हेलो मेरी फैमिली, कैसी है? आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, जिसके लिए मैंने शिमला मिर्च ली है, प्याज और पनीर। शिमला मिर्च को क्यूब में काट लिया था, मैं प्याज को भी क्यूब में काट लूँगी। पनीर, ये मैंने घर का बना हुआ पनीर है। मैं प्याज शिमला मिर्च ऐड करूँगी और इसके बाद में मैं इसमें दही डालूँगी। दही गाढ़ा होना चाहिए, मैंने पानी निकाल दिया था इसका। आप किसी कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा पानी इसका अच्छे से निकल जाए। बेसन ऐड किया है, ये भुना हुआ बेसन है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा लेमन जूस। अब इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद में थोड़ा नमक ऐड किया है मैंने। अब इसको ढक कर रख दिया, 10 मिनट हो गए थे। इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं स्टिक में इसको लगा दूंगी। शिमला मिर्च, प्याज और पनीर सभी को इसमें लगा दूंगी। मैंने तवा गैस पर रख दिया था, जो नॉन स्टिक पैन है इस पर हल्का सा ऑयल लगाने की ज़रूरत है बस। मैं इसमें ये रख दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ये आपके पनीर टिक्का रेडी है।